एवरीबॉडी, गणित 15 में आपका स्वागत है। आज हम आए कानपुर के ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर MD इन्फोटेक में, जहां SSC सिलेक्शन पोस्ट 9 का 14 मार्च का मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी कैंडिडेट एग्जाम दे के बाहर निकलेंगे तो मैं बात करके बताऊंगा कैसा रहा आज के एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। कैसा रहा है भाई आपका पेपर? बोले हाँ बोलो, कैसा रहा? रिकॉर्डिंग चालू है? चालू है यार। कैसा पेपर? पेपर बहुत बढ़िया रहा भैया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, टफ था। मैथ में कैलकुलेशन ज्यादा था, रीजनिंग में भी कैलकुलेशन ज्यादा था। अब यदि जीएस की बात करें तो करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आए थे? करंट अफेयर के करीबन 7-8 क्वेश्चन आए रहे होंगे। कब से कब तक करा? 2020, 21, 22? ज्यादा 21 का ही था, 7-8 नहीं होगा तो 21 का ही था। अब यदि हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें तो हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन थे केवल, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं था। ज्योग्राफी कोई नहीं थी? नहीं, पेपर देखे बताओगे कुछ? रिपोर्ट वगैरह का 1-2 क्वेश्चन था केवल। इंग्लिश बहुत ईजी था, इंग्लिश बहुत ईजी। अब यदि किसी का आगे पेपर होने वाला है उसके लिए कोई सजेशन? भैया रीजनिंग बहुत जल्दी जल्दी करना वरना उसमें टाइम खप जाएगा। तो आगे सजेस्ट करो GS के लिए भैया, आपका जो पुराना GS जो है वो सही होना चाहिए, तो आप कर जाओ। स्टैटिक अच्छा होना चाहिए भाई। कैसा रहा भाई आपका पेपर? सर अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया आपने? 80। आपने भाई 20 ओनली, बहुत कम किए। तो भैया ये बताएं GS का लेवल कैसा रहा? GL का लेवल ठीक था। करंट अफेयर कितने क्वेश्चन आए थे? करंट अफेयर 1-2 थे। देख दो क्वेश्चन। कब की थी? 2020, 21, 22? नहीं, मतलब कुछ याद नहीं अभी। नहीं, अच्छा मैथ की बात करें तो मैथ का लेवल कैसा रहा था? कैलकुलेटिव था या इजी था? नहीं, कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव और रीजनिंग हार्ड था। मतलब किस लेवल में सबसे ज्यादा, मतलब मैथ में किस टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई सॉल्व करने में? हमको तो मैथ में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रीजनिंग में समय ज्यादा लग रहा था। अच्छा ओवरऑल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का पेपर कैसा रहा? इंग्लिश का लेवल इजी था? नहीं, इजी नहीं, मॉडरेट था। ओके भाई, थैंक यू। कितने किए भाई आपने? मैंने तो सिर्फ 59 ही किया है। 59 GS की बात करें तो कैसा रहा GS का? GS तो ठीक ही था, सिंपल ही था, ज्यादा हार्ड नहीं था। करंट अफेयर कब से कब तक की? 21 का था, दिसंबर का था और मतलब नवंबर का था। अच्छा कुल मिला के 21 का था। अब यदि हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन याद है? हिस्ट्री का आया था? हिस्ट्री का नहीं, हिस्ट्री की याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। मैथ का लेवल कैसा रहा? मैथ का लेवल किस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम आई है? प्रॉब्लम क्या मेरा छूट गया था, छूट गया। ओके भाई, थैंक यू। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई आपने? अप्रॉक्स 70। कितने किए भाई? 60। आ जाओ बगल में, आ जाओ। 60 क्वेश्चन किए। अब यदि बात करें करंट अफेयर कब से कब तक की आई? करंट अफेयर यही मतलब 2-3 महीने पीछे में आ रही है। मिला के 21 की आई पूरी। 22 का कोई क्वेश्चन था? नहीं, 22 का नहीं। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो किस टॉपिक में प्रॉब्लम आई है मैथ में? अब यदि बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश का रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग एवरेज था, बढ़िया नहीं, एवरेज था बिल्कुल। अब यदि आगे किसी का पेपर होने वाला है उसके लिए कोई सजेशन होगा क्या प्रिपेयर करके आए, क्योंकि 2-3 और पेपर है? ठीक है, मेरी तरफ से यह राय कि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम वाली प्रॉब्लम आ रही है। 1 घंटा मिल रहा है, क्वेश्चन सही आ रहे हैं, इजी भी आ रहा है पेपर, बस टाइम टाइम मैनेज नहीं हुआ। टाइम नहीं मैनेज। जीएस की बात करें, जीएस में क्या करंट अफेयर में पड़ गया है? जीएस करंट अफेयर 21 के पड़ गया, काम हो जाएगा 21 का कम पे। थैंक यू भाई। तो भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक फॉर